मैडलाइंस के लिए हमने सबसे पहले अंडे लेने हैं. अंडे हमारे पास चार थे, उसमें से हमने तीन की हमने इतना से जर्दियाँ निकाल ली हैं, और सफ़ेदी जो है हमने चार अंडों की लेनी है. ठीक है, जर्दियाँ हमने तीन अंडों की लेनी है, लेकिन सफ़ेदी हमने चार अंडों की लेनी है. टोटल चार अंडे यूज़ होंगे. उसके अलावा हमने इसके अंदर आधा कप जो है पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है, और टू टेबल स्पून हमने जो है हनी का इस्तेमाल करना है. शहद हम इसमें टू टेबल स्पून लेंगे. ठीक है, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर जो है अंडे डाल देंगे. ये देखिए, हमने अंडों की जर्दियाँ, तीन हमने जर्दियाँ ली हैं और चार अंडों के हमने सफ़ेदियाँ ली हैं. और इसको हमने ओवर बीट नहीं करना. जैसे हम इसको 25 से 30 सेकंड के लिए बॉटर डाला, हमने इसके अंदर जो है तीन अंडों की सफ़ेदी, चार अंडों की सफ़ेदियाँ ली और तीन अंडों की जर्दियाँ ली, और इसको हम बीट करेंगे. बस हल्का सा इसमें बबल्स फन गए. देखिए जी, इसके ऊपर जो है बबल्स फन गए. अब हम इसको ओवर बीट नहीं करेंगे. अब हम इसके अंदर जो है चीनी का इस्तेमाल करेंगे. ये देखिए, हमारे पास हाफ कप चीनी है, ये भी हम इसमें डाल देंगे. ठीक है, हमने इसके अंदर चीनी को भी मिक्स कर दिया अच्छी तरह से. ये बीट हो गई है, हमने और बीट नहीं करना. अब हम इसके अंदर जो है मैदा डालेंगे. बस एक कप मैदा है, इसमें हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और अब हम ये भी इसमें डाल लेंगे. पहले हम मिक्स कर लेंगे, और हमने मशीन को ऑन नहीं कर देना. अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है तो आप जग में भी बना सकते हैं, ग्राइंडर वाला जो जग वगैरह होता है उसे भी बना सकते हैं. ये देखिए जी, हमने इसको ओवर बीट नहीं करना. हमारा मैदा जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया. इसकी जो है कोई भी हम इसके अंदर लम्स वगैरह या गुल्टियाँ वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आना. ठीक है, इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं हमने बनने देनी. इसको मिक्सिंग करेंगे कि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना हो. ठीक है, देखिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कोई भी इसमें. देख सकते हैं ऊपर हमें कोई भी बटर की लेयर नज़र नहीं आ रही, वो इसमें अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है. अब हम इसकी स्पीड बिल्कुल बंद करने लगे हैं. ये देखिए, अब हम अपने वीडियो को बंद करने लगे हैं. ये देखिए जी, हमारे पास मैडलाइन का ट्रे है. इसको हम पहले जो है ग्रीस करेंगे बटर के साथ, या ऑयल जो भी आपके पास है. अगर बटर है तो बटर के साथ इसको ग्रीस कर देंगे लाइट सा. हमारे पास ऑयल है मेल्टेड फॉर्म में, उसके साथ हम इसको ग्रीस करने लगे. आप इसको ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, अगर ब्रश नहीं है तो टिश्यू के साथ कर लें.
ये देखें जी, हम इस तरह से इसको लेंगे, उतारते जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हमें डाल लें, थोड़ा सा हम डालते जाएंगे। के फ्लेम में हमने बैटर को डाल दिया, अब हम इसको पतीले में बनाएंगे। पतीले को हमने पहले से प्रीहीट किया हुआ था जितनी देर हम ये बना रहे थे। अब हम मीडियम और लो के दरमियान में टेम्परेचर रखेंगे चूल्हे का, और फिर हम इसको लो और मीडियम के फ्लेम के में हम इसको बनाएंगे। ये बड़ी एहतियात से हमने इसको निकालना है ताकि ये ट्रे भी साफ ना हो। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक है, ये गोल्डन इसका टेक्सचर है। ये देखें जी, इसको हमने प्लेट में निकाल लिया, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम चीनी को स्प्रिंकल करेंगे, किसी भी चीनी को। ये देखें, que onda si chacho arriba las manos, caballo moreno penetra tu barrio, te enseño a rolar cero rock.